नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय की, जो हजारों सालों तक शिक्षा का केंद्र रहा, जहां अनेक धर्मों के लोग विज्ञान, संस्कृति और अलग अलग धर्मों की पढ़ाई करते थे। जिस वक्त दुनिया में गिने चुने विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उस वक्त भारत का नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ पढ़ाई का प्रमुख केंद्र था, बल्कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। इस विश्वविद्यालय को 1190 में तुर्क अफगान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपनी खोई पहचान को पाने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को इसका उद्घाटन करेंगे। 456 एकड़ में फैले इस यूनिवर्सिटी को बनाने में इसकी विरासत का भी खास ध्यान रखा गया है, साथ ही इसमें आधुनिकता और संस्कृति का एक अनूठा जोड़ संगम नजर आता है। साथ ही आज के शो में आपको ये भी बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में क्या कुछ खास है और जानेंगे कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के इतिहास में क्या कुछ हुआ है। देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है, बनकर तैयार है, जहां फिर से हजारों की संख्या में देश दुनिया के छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। इस विश्वविद्यालय को आधुनिकता और इतिहास का अनूठा संगम कहा जा रहा है, जो तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। खास बात तो ये है कि इस विश्वविद्यालय को बनाने में पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। फिर लौटेगा नालंदा का गौरव। आधुनिक और इतिहास का अनूठा संगम है नालंदा विश्वविद्यालय। शिक्षा का केंद्र बनने के लिए तैयार है बिहार। दुनिया की सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर अपने पुराने वैभव के साथ देश को गौरवान्वित करने के लिए बनकर तैयार है। 800 सालों तक दुनिया में शिक्षा का केंद्र रहे नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार फिर देश और दुनिया के छात्र पढ़ाई करेंगे। सैकड़ों साल बाद एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ अपने इतिहास को दोहराने जा रहा है। 19 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी और उसके बाद कैंपस में लगभग 221 भवन हैं और कई सारे निर्माण भी कराए गए हैं, जहाँ पे छात्रों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था की गई है। तो जाहिर सी बात है, सुषमा स्वराज जो तत्कालीन विदेश मंत्री थी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कई सारे तालाब भी हैं, चार बड़े बड़े तालाब भी हैं, जो इसकी हरियाली को और भी बढ़ाता है और हरियाली आवरण देता है। तो जाहिर सी बात है, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सालों की कड़ी मेहनत से तैयार हुए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी 19 जून को उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ ये दिन भारत और बिहार के इतिहास में एक बार फिर से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, जो नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित होने का साक्षी बनेंगे। पीएम के दौरे को लेकर नालंदा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। जिन रास्तों से होकर पीएम का काफिला गुजरेगा, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन कर जहां नालंदा को एक बार फिर शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर में शामिल नालंदा खंडहर को भी देखने जाएंगे। और इसके उद्घाटन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक अपना पुराना प्राचीन गौरव रहा है, एक बार फिर से उसे छूने का प्रयास
के तौर पे इस अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण को देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसके निर्माण के बाद, इसके उद्घाटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं का रुख नालंदा की तरफ होगा, राजगीर की तरफ होगा, तो न सिर्फ इससे बिहार को एक बड़ा फायदा मिलेगा बल्कि देश के शिक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ी क्रांति आ सकती है। लाल पत्थरों से बने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में आधुनिकता के साथ उसके मूल स्वरूप का भी खास ख्याल रखा गया है। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार की भव्यता से लेकर इसकी सीढ़ियों को बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है ताकि नए नालंदा विश्वविद्यालय को देखकर खंडहर हो चुके प्राचीन विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सके। नए स्वरूप में पुराने स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। उस समय जितने भी शिक्षक होते थे वो सारे भिक्षु होते थे, तपस्वी होते थे। आज हम लोग दुनियावी लोग हैं, और उस स्तर का ज्ञान भी नहीं है, ना हमारे पास है और ना लेने वाले के पास है। तो पुराने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति को प्राप्त करना हमको नामुमकिन लगता है। हाँ, उस ओर बढ़े हैं, अब दूरी कितनी तय होगी समय बताएगा। नए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने में छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा गया है, चाहे वास्तुकला हो या फिर आधुनिक सुविधाएं। करीब 456 एकड़ में फैला ये पूरा कैंपस इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम है। सीढ़ियों और बिल्डिंग की बनावट नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास की यादों को ताजा कर देती है। 456 एकड़ में फैला है नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस। 100 एकड़ में सिर्फ 4 तालाब बनाए गए हैं। 150 एकड़ में सिर्फ पेड़ लगाकर पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बन रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षा के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक भी हैं। शैक्षणिक ब्लॉक में 1900 छात्र एक साथ बैठ सकते हैं। कैंपस में 2 सभागार हैं, दोनों की क्षमता 300-300 छात्रों के बैठने की है। 550 छात्रों के रहने के लिए एक बड़ा छात्रावास भी बना है। नालंदा विश्वविद्यालय हमेशा से शिक्षा के साथ बौद्धिक रूप से छात्रों को मजबूत बनाने के लिए जाना जाता है और जब इस नए विश्वविद्यालय कैंपस का निर्माण किया गया तो इसमें इस बात का भी बखूबी ध्यान रखा गया कि यहां आने वाले छात्रों को पढ़ाई के साथ तमाम तरह की सुविधाएं भी मिल सके। कैंपस में एक इंटरनेशनल सेंटर बना है, 2000 लोगों की क्षमता वाला एमपी थिएटर भी बनाया गया है, फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना है, 250 लोगों की क्षमता वाला योग सेंटर भी बनाया गया है, एक मेडिकल सेंटर और कमर्शियल सेंटर भी यहां बनाया गया है। इसके अलावा कैंपस में एक गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर शिक्षा का केंद्र बनने के लिए तैयार है। यही वजह है कि यहां कुल 7 स्कूल होंगे जहां अलग अलग विषयों की पढ़ाई की जा सकेगी। हालांकि आगे चलकर और विषय बढ़ाने पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल जिन विषयों के लिए स्कूल को तैयार किया गया है उनमें स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस, स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज भी शामिल है। नालंदा के गौरव को वापस लाने में आधुनिकता और वास्तुकला का जितना ध्यान रखा गया है उतना ही ध्यान पर्यावरण का भी रखा गया है। यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट जीरो कैंपस बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल इस विश्वविद्यालय में 6.5 मेगावाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट का निर्माण किया गया है, 500 KLD घरेलू और पेयजल ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया गया है, खराब पानी को रिसाइकल करने के लिए डी वाट का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 1.2 मेगावाट बायोगैस तैयार करने के लिए एनर्जी प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की ये इमारतें और इसका ये हॉल भले ही सैकड़ों सालों तक अपने अतीत को याद करता रहा हो, लेकिन आज ये विश्वविद्यालय जब इतना भव्य बनकर तैयार हुआ है तो एक बार फिर
बिहार और देश को इस पर गर्व करने का मौका दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नालंदा पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए राजगीर से लेकर नालंदा तक जो है पूरे तरह से सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है मजदूर भीषण लहलहाती जो है कड़ाके की धूप में जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग करने को जो है कार्य कर रही है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है रात दिन रात जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जा रहा है। ये राजगीर नालंदा मुख्य मार्ग है जहाँ पर जो है बैरिकेडिंग का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजगीर से नालंदा खंडहर भी पहुंचेंगे, जहां की भग्नावशेष का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर इसे देश और दुनिया भर के छात्रों को समर्पित करेंगे, जो आने वाले वक्त में यहां रहकर पढ़ाई कर सकेंगे और नालंदा के इतिहास पर शोध कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो नालंदा की धरती पर कदम रखेंगे। उनसे पहले सिर्फ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नालंदा आए थे, और आजादी के इतने सालों बाद पीएम मोदी नालंदा आ रहे हैं। वाकई ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला पल होगा। साथ ही इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज होगा कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी में बने इस विश्वविद्यालय का बहुत समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा। कहा जाता है कि यहां 10,000 छात्र एक साथ रहकर पढ़ाई किया करते थे। यहाँ की लाइब्रेरी से लेकर छात्रों के रहने की जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, वो सचमुच आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए शोध का विषय है। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, गणित और खगोल विज्ञान का सेंटर, नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास एक बार फिर अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। ज्ञान की धरती नालंदा पर बने विश्वविद्यालय के नए कैंपस को जिस भव्यता के साथ आधुनिकता का ख्याल रखते हुए बनाया गया है, निश्चित तौर पर एक बार फिर नालंदा दुनिया भर के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होगा। ठीक उसके पीछे वैभवगिरी पहाड़ है, उसकी पूरी श्रृंखला है, और ठीक उसके बीच किनारे अंतर्राष्ट्रीय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है, जो लगभग 455 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 1749 करोड़ के लागत से इसका निर्माण कराया गया। बेहद भव्य और बेहद अद्भुत दृश्य इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े आप बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे लगभग 17 देशों के 400 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भले ही आज अपनी खोई विरासत को पाने के लिए एक बार फिर से खड़ा हुआ है, लेकिन एक वक्त था जब नालंदा विश्वविद्यालय न सिर्फ दुनिया भर के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र था, बल्कि ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां 10,000 छात्र एक साथ पढ़ाई किया करते थे। इस परिकल्पना को पुनः स्थापित करने के लिए मुझे लगता है बहुत ही सुविचारित तरीके से, बहुत समर्पण के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ पूरे राष्ट्र को, बिहार सरकार को समर्पित होना होगा, तब फिर हम उस महान विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करने की कल्पना कर सकते हैं। 427 ईस्वी में स्थापना के बाद से करीब 700 सालों तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र के रूप में बना रहा, और इस दौरान नालंदा की ख्याति पूरी दुनिया में फलती फूलती रही।
कहा जाता है कि उस वक्त इसके जैसा कोई दूसरा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में ही मौजूद नहीं था। फिर चाहे वो इसकी भव्य बनावट हो या फिर छात्रों के रहने के लिहाज से या फिर लाइब्रेरी के हिसाब से। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कई तरह के रेफरेंस आते हैं, कहीं 3,000 कहता है, कहीं 5,000 कहता है, कहीं 10,000 कहता है। अभी तक उसका कुछ कंक्रीट नहीं मिला है कि जिससे कहा जाए कि 10,000 स्टूडेंट रहते थे, 1510 शिक्षकों की भी बात आती है। यहीं रहे और अध्ययन किया। बाद में उन्होंने इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया और जब वो लौट कर गए तो अपने साथ सैकड़ों बौद्ध धर्म ग्रंथों को लेकर गए थे, जिसका बाद में उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया था। जान लें कि नालंदा विश्वविद्यालय नाम का कोई शब्द नहीं था, इसका नाम था नालंदा महाविहार। बाद में जब डॉक्टर एचडी शंकालिया ने इसको पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय का नाम दिया है, और विश्वविद्यालय इसलिए कहा कि जो विश्वविद्यालयों में समेकित शिक्षा होती है, जहाँ रहते हैं विद्यार्थी छात्र, पढ़ने का व्यायामशाला होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, सारा चीज एक परिसर में ही होता है, इसलिए डॉक्टर शंकालिया ने इसको नालंदा विश्वविद्यालय का नाम दिया और यह नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रचलित। लंबे वक्त तक शिक्षा का केंद्र रहने वाले नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था और फिर 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को नए तरीके से बनाने का पहली बार प्रस्ताव रखा गया। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जब पहली बार राजगीर आए तो उन्होंने नालंदा को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा था। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा। 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा गया। 16 देश नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए राजी हो गए। 2010 में संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया। 19 सितंबर 2014 को तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निर्माण के लिए नींव रखी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर ही पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा बनाने का ऐलान किया और बिना देर किए उन्होंने विधानसभा से विश्वविद्यालय का नया भवन बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्राचीन विद्या के उस गौरव गाथा को पुनर्लेखन के लिए मैंने कहा न कि सरकार को बहुत ही उस पर बृहदहस्त की तरह अपना हाथ रखना होगा और एक तरह से शिक्षकों की भी तलाश में बड़ी सतर्कता बरतनी होगी और उसके मैनेजमेंट पर भी उसको पूर्ण स्वायत्तता देनी होगी, तब कोई असंभव नहीं है। और जब नालंदा विश्वविद्यालय को आज पुनर्जीवित की बात होगी तो विद्याएं तो प्राचीन होगी और आधुनिक विद्या का भी सम्मिश्रण होगा और उसका जो है रेलेवेंस जो है आधुनिक होगा। नालंदा विश्वविद्यालय में आज भी अलग अलग देश के छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। हालांकि इस वक्त भी नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। 12वीं शताब्दी में खंडहर हो चुका नालंदा विश्वविद्यालय आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जहां देश और दुनिया भर के पर्यटक इस प्राचीन धरोहर को देखने और इसके महत्व को समझने के लिए पहुंचते हैं। नालंदा से अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।